ये डुमरी तिलैया थाना अंतर्गत गांधी स्कूल रोड के मास्टर मोहल्ला निवासी संजय कुमार सिंह की पिछले दिनों जमीनी विवाद में हुई मौत के बाद आक्रोशित उनके परिवार और मोहल्ले वालों ने आज गुरुवार को एक तिलैया थाने के समीप सड़क पर जाम लगा दिया है। उनकी यथाशीघ्र गिरफ्तारी किया जाए। फिलहाल मृतक संजय सिंह की पोस्टमार्टम के बाद रांची से उनका शव लाया जा रहा है और यहाँ पर हम सड़क जाम करके न्याय के लिए बैठ गई है और इनका एक ही मांग है कि जो भी इस हत्या में आरोपी है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। ये रांची पटना रोड है जहाँ आक्रोशित लोगों ने अभी 3 बजे के करीब जैसे ही सूचना मिली कि मृतक सुनील कुमार सिंह की शव अब पहुँचने वाली शव अब पहुँचने वाली है उनके परिवार वाले और मोहल्ले वाले यहाँ पर सड़क सीढ़ी को ले ना भादोड़ी इनका एक ही मांग है कि जो भी इसमें आरोपी है सभी को गिरफ्तार किया जाए। सामने से नहीं घुसना इस मामले में ये झुमरी तिलैया थाना अंतर्गत गांधी स्कूल रोड के मास्टर मोहल्ला का ये फिलहाल का दृश्य है जहां पिछले 14 दिसंबर की रात्रि में दो पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े में संजय सिंह नामक युवक की मौत हो गई। इनके परिवार का कहना है कि पड़ोसी कैलाश प्रसाद यादव के पुत्र और उनके और रिश्तेदारों ने ये गली विवाद को लेकर संजय सिंह पर रट से हमला कर दिया था और जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रिम्स रांची ले जाया गया था जहां आज बुधवार को सुबह 7 बजे उनकी मौत हो गई है। उसके बाद यहां इनके घर पर आस पड़ोस के और इनके सगे संबंधियों की भीड़ लगी हुई है। इनका कहना है कि पूरे मामले में प्रशासन की ओर से इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और जिसके कारण ही इस प्रकार की घटना हुई है। ये बताते हैं कि इनका ये गली विवाद करीब पिछले कई वर्षों से चल रहा था और ये बार बार इस मामले को लेकर प्रशासन से गुहार लगाते रहे मगर इसका कोई निदान नहीं निकाल सकी प्रशासन और अंततः उनके परिवार को मौत के मुंह में जाना पड़ा है। ये अभी मांग कर रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये यही गली है जिसके एक तरफ जो आप देख रहे हैं वो ये कैलाश प्रसाद यादव का ये घर है जो शायद पुलिस विभाग में ही पूर्व में बिहार में कहीं कार्यरत थे और इसके बगल का ये जो घर है उनके गेट के सामने वो संजय सिंह का है और यही 3 फीट के गली विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कई सालों से विवाद चल रहा था और अंततः यह विवाद 14 तारीख के रात में हिंसक हो गई और जिसमें ये संजय सिंह जो है उनको ये कैलाश प्रसाद यादव के पुत्र जैसा कि इन्होंने थाने में मामला दर्ज कराया है प्रेम कपूर और राज कपूर सहित कुछ अन्य सदस्यों का नाम है जिन्होंने रट से मारकर संजय सिंह की एक तरह से हत्या कर दी। पूर्व में वो घायल हुए थे जिनका आज ये मौत हो गई है। मामूली ये 3 फीट का ये गली विवाद है जिसमें ही एक परिवार उजड़ गया। क्या हुआ कुछ बताइए कैसे क्या हुआ? कब की घटना थी? रात 10 बजे की घटना है सर। प्रशासन कुछ नहीं किया था घटना के बाद? प्रशासन कुछ भी नहीं किया है। वो
कोई गिरफ्तारी नहीं है? कोई गिरफ्तारी नहीं है साहब, कोई गिरफ्तार हुआ। कब से चल रहा था इनके साथ विवाद आपके परिवार? विवाद बहुत पुराना है सर, 40 साल पुराना है गली का। अच्छा, तो ये विवाद माने गली बंद करने को लेकर हुआ था? जी सर, बोलता है गली में चलने नहीं देंगे तुम लोग को। और यही आप लोग का निकासी पॉइंट है, इसी से आप लोग आते जाते? यही आते जाते, मेरा घर बर्बाद कर दिया, ये गोवार मिल गया भैया। क्या मांग करते हैं आपकी, क्या मांग है पूरे मामले? मेरा मांग है कि आपको न्याय चाहिए, जान के बदले आपको जान चाहिए। हम ऐसे नहीं मानेंगे, मेरा आदमी मरा है उसका भी मरना चाहिए, प्रशासन उसको फांसी दे, हम यही मांग करते हैं। जो मृतक है वो आपके कौन है? मेरे भाई सूर है, मेरा बहनोई भी लगते हैं, दो रिश्ता मेरा है। कैसे रहेगी सर मेरी बहन? कैसे देखेंगे अपनी बहन का चेहरा भैया? पुलिस सर जान के अरेस्ट नहीं किए हैं, पुलिस जान कर नहीं क्या माने पुलिस क्यों माने क्यों पुलिस अभी भी फोन किया कि आप लोग आगे चल रहे हैं? पुलिस फोन कर देता पुलिस जान का लापरवाही किया है, इसे फोन करता है एकदम पुलिस घुस खा करके कुछ नहीं कार्रवाई कर रहा है। क्या बोल रहे हैं माने आपको लगता है कि पूरे मामले में पुलिस का पूरी तरह से एक पक्षीय कार्रवाई है? कुछ भी नहीं किया है, खाली आते हैं और जाते हैं, कुछ एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। जबकि आप लोग घटना के दिन ही जाके थाने में मामला दर्ज कराया है, तब भी कुछ नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, आदमी का डेथ हो गया तब भी किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है अभी तक। प्रशासन कर क्या रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रशासन प्रशासन का सारा गलती प्रशासन के, उसको फांसी सजा मिलना चाहिए। आपके भैंसू मरे हैं, उनके कितने बार बच्चे हैं? दो बार बेटा। वो क्या करते थे? वो सेल्स ऑफिसर थे सीमेंट में। अच्छा, संजय सिंह बोलिए। संजय सिंह नाम था? संजय सिंह नाम था। अगर प्रशासन त्वरित कार्रवाई करता तो हो सकता है कि ये कांड नहीं होता। हमको लगता है ना प्रशासन जाते हैं अंदर, क्या बात करके निकलते हैं, हमको देखने जाते हैं क्या? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमको लगता है प्रशासन भीग चुका है, प्रशासन भीग चुका है, सब जरा इसे कुछ अरेस्टिंग नहीं हुआ है अभी तक। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी प्रशासन आई थी यहाँ पे? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पहले आए, लड़ाई के बाद भी आए सर। लड़ाई के पहले भी? तो लड़ाई उनके जाने के बाद हुआ फिर रात में? हाँ, तो फिर आप लोग थाना गए? जी। उसके बाद क्या किया पुलिस ने? कुछ भी नहीं किए हैं, बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ धर के, कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी का अरेस्टिंग भी नहीं हुआ है अभी तक। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अब रुपया उछाल देंगे, पैसा खाली का है, पैसा दे दिया है, इसलिए कुछ नहीं कर रहा है प्रशासन। और ये कैलाश प्रसाद जी भी शायद पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, क्या जानकारी? इसको रोब है कि हम पुलिस प्रशासन के, हमको कुछ नहीं होगा, इसलिए ये रोब दिखाता है, पूरा मोहल्ला इसके अगेंस्ट है, कोई इसका साथ है क्या? पूछ लीजिए पूरा मोहल्ला से, पूरे मोहल्ले के लोग आप लोग इसके दमगई से परेशान है। प्रशासन पैसा खाया है, पैसा खाया है, इसीलिए गिरफ्तारी नहीं, किए गए हैं, मेरे आदमी में मर गया, अभी तक प्रशासन क्या कर रहा है? आप लोगों ने पुलिस अधीक्षक एसपी वगैरह से भी गुहार लगाया था? सबसे गुहार लगाएंगे, लगाए हैं, फोन भी गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तो पुलिस आई थी, आए खाली जाते हैं अंदर निकल जाते हैं, डेली आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी कुछ नहीं हो रहा है। ताला लगाइए तो ताला नहीं लगाए, क्या बोल रहे हैं? सब पुलिस तो सही है या नहीं, इसी के कारण जब लड़ाई हो रहा था, जब लड़ाई हो रहा था नली खतील ठीक है रास्ता दिए बोल रहे सर, हमको लगता है प्रशासन इसमें मिला हुआ है, प्रशासन इसका हेल्प कर रहा है, समझे ना? वो आगे नहीं आ रहा, लेकिन प्रशासन का इसका हेल्प है, इसलिए ये ज्यादा मन बढ़ा हुआ है, मन बढ़ा हुआ है, मन बढ़ा हुआ है, ये घूस खा रहे हैं प्रशासन। आपको प्रशासन आते इनका सुन बात
प्रशासन कब रात को? कल रात को मंगल आज उसी के घर में क्या लगता है तुम्हारे पिताजी की मौत कैसे हुई? कुछ बताओगे क्या घटना है? पिताजी की मौत का मैं जिम्मेदार बस तीन ही कोई को मानता हूँ जिन्होंने मेरे पिता को छल से रॉड के द्वारा मेरे पिता के सिर के पीछे वार किया गया। बेचारा किसी से लड़ाई नहीं, बेचारे मेरे मेरे पिता इतने सीधे थे, आप किसी से भी मोहल्ला में पूछ लीजिए वो एक शब्द किसी को नहीं बोलते थे। हाँ झड़प हुई थी, इस समय लड़ाई हुई थी, तुम भी वहाँ मौजूद थे? मैं मौजूद नहीं था। तुम्हारे पिताजी अकेले थे घर में? कौन कौन थे? मेरे मेरी बहन, मेरी बहन, ये बहन है? हाँ मेरी बहन। अच्छा। मेरा छोटा भाई। अच्छा। और मेरी ये एक और छोटी बहन है। ये तीन बच्चे थे मात्र घर में, और मेरी बड़ी मम्मी थी। अच्छा। और मेरी छोटी मम्मी थी और मेरी दादी थी बस। और इन इन सब लोगों को रोज धमकी दिया जाता था। ये किस बात का प्रशासन दिखाता है अध्याय? अध्याय यही सिखाता है क्या प्रशासन कि एक कमजोर को जितना दबा सको दबाओ? और जो माने तुम्हारा जो गुहार लगाया उसको प्रशासन नहीं सुना? प्रशासन प्रशासन हाथ में तो चूड़ी पहन चुका है। औरत क्या है प्रशासन? औरत तो बेमतलब का चूड़ी पहनता है, पहनती है। देखिए हिजड़ा चूड़ी नहीं पहनता है, प्रशासन को पहनना चाहिए। प्रशासन कर क्या रहा है? आज तुम्हारे पिता की हत्या हुई इसके लिए तुम प्रशासन को दोषी मान रहे हो? मैं प्रशासन को सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ। मेरे छोटे चाचा को भी एक बार मारा गया था, उस समय भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। यही लोग मारे थे? यही लोग मारे, यही विवाद को लेकर। वो कहाँ है? वो क्या हुआ उनको? उनका भी छह महीना में सर, उसी से छह महीना बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। अच्छा, वही मृत्यु हो गई इसी विवाद को लेकर? इनका तो इंस्टेंट मृत्यु हो गया सर। और पीछे से बोलता ये है कि मारे थे तो बच कैसे गया? मारने वाला मर जाता वो, मर रहा था। हाँ। और सर मैं इतना श्योर होके बोलता हूँ, जिस तरह मैंने अपने पिता को देखा है, उनके सर को देखा है, एक बार नहीं मारा गया है सर। मैं खुद पढ़ता हूँ, एक बार नहीं मारा गया है। उनके सर पर रॉड से बार बार लगातार मारा गया है, तब जाके ये मृत्यु हुआ है, दर्दनाक कांड हुआ है। इसके बाद भी प्रशासन की कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन सिर्फ चूड़ी पहन चुका है, प्रशासन बिक चुका है। प्रशासन पैसा खाली है इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरा चौपट कर दिया, ये धौंस दिखा दिखा के। क्या धौंस दिखाता है? क्या धौंस दिखाता है? क्या कि पुलिस का आदमी है क्या सर? हम पुलिस वाले हैं, हमको कुछ नहीं हो सकता है, हम बचाव कर लेंगे। प्रशासन ही इसका बचाव करने की इसको मदद कर रहा है। क्या है? पूरा जमीन ले लिया पीछे, छज्जी निकाल दिया जबरदस्ती, छज्जी निकाला। आप देख सकते हैं जमीन टेढ़ा करी जमीन। ये मारपीट का जिस पर आरोप है उस पक्ष के लोग फिलहाल सभी घर से फरार बताए जा रहे हैं। ये घर सभी घर ताला बंद किया है, ऊपर गेट का जो ये है ना सीढ़ी वाला सर। यही अमीर सिंह है जिनकी मारपीट में मौत हुई है। देखिए कैसा वीडियो बनाया है, वो बना रहा पापा का गोड़ हाथ का। हाँ बना रहा हूँ। Thank you.